एमएस इलेक्ट्रिशियन रिपेयर में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, ये वन प्लस का ब्लूटूथ है, ये वन प्लस का ब्लूटूथ है, यहाँ पे वन प्लस का ब्लूटूथ है दोस्तों। एक मैं और एक वन प्लस का ब्लूटूथ लेके आया था जो कि वो ऑन नहीं हो रहा था, जो सेंसर वाइज ऑन नहीं हो रहा था ना बटन वाइज ऑन हो रहा था। ये इसको सेंसर हटाने के बाद ये ऑन हो रहा है, पर इसमें ये प्रॉब्लम है दोस्तों। ये सेंसर हटाने पर ऑन हो रहा है, जो जिसका मैं सेंसर हटाने पर ऑन नहीं हो रहा था, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। इसमें देख रहे हैं दोस्तों, ये जो ये वाली स्पीकर है इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। ये वाली स्पीकर है जिसमें इसमें बैटरी है, ये वाली स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रही है। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये वायर देख सकते हैं कटा हुआ है, देख रहे हैं ये वायर कटा हुआ है। यहाँ से हम इसको वायर को कट करके हम चेंज करेंगे, इसको हम सीधे हम यहाँ पे कट कर देते हैं दोस्तों। कट करने के बाद दोस्तों इसको हम ओपन करते हैं, देख सकते हैं दोस्तों बहुत बारीकी से ओपन करना पड़ता है। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ये ग्लू से चिपकाया गया है, कि जो कि वाटर प्रूफ बनाया गया है, ये पूरा ग्लू से चिपकाया गया है, वाटर प्रूफ बनाया गया है। इसको हम निकालते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये स्पीकर की वायर है, जो इसको हम खींचने पर देख रहे हैं ये वायर बाहर आ गया, जिसका ये वायर देख रहे हैं दोस्तों, यही वायर कट जाने के कारण ये हमें स्पीकर में आवाज़ नहीं आती है। स्पीकर को आवाज़ हम चेंज करके चेक करेंगे दोस्तों। बहुत लोगों की भाई की कमेंट आती है कि जो ये वायर में है, जो ये रंगा नहीं चिपकता है दोस्तों, रंगा है, आप इसमें कैसे चिपकाएं? इसको थोड़ा सा पेस्ट लगा लें। पेस्ट लगाने के बाद शोल्डर में जो रंगा है उसको ले लें, और इसके बाद इसको थोड़े देर तक इसमें इस जो रंगा है इसमें रखें। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों मेरे दोनों वायर पे सोल्डरिंग चढ़ गया है, जो सोल्डरिंग रंगा है वो दोनों तरफ वायर में लग गया है दोस्तों। इसमें जो ये वायर में कलर पेंट होता है वो जल्दी रंगा नहीं लेता है, देर तक रखने के बाद वो कलर पेंट चढ़ने के बाद ख़त्म होने के बाद। ये है दोस्तों, इस वायर को हम निकाल के अच्छे से इस होल को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे, वायर को निकाल के अच्छे से हम साफ़ कर देंगे। देख सकते हैं दोस्तों, हमने अच्छे तरह से यहाँ पे सोल्डरिंग करके यहाँ पे पैकिंग कर दिया है, देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तरह से पैकिंग कर दी यहाँ पे। देख रहे हैं दोस्तों, इस वायर को हम फेविक्विक द्वारा हमने चिपका दिया है। अब इसके बाद आते हैं कनेक्शन करने की, जो कि हम अभी कनेक्शन करते हैं दोनों में। देख रहे हैं दोस्तों, इस पर भी हमने सोल्डरिंग कर दिया है। देख रहे हैं दोस्तों, हमने दो ट्यूब काट लिया है, जो कि इसको गर्म करने के बाद ये सिकुड़ जाता है, हमें इसमें हम दोनों में लगा देंगे। देख रहे हैं दोस्तों, हमने दोनों का अच्छे से कनेक्शन कर दिया। हम धीरे धीरे इस ट्यूब को यहाँ पे लाकर शोल्डर से हम गर्म कर देंगे। दोनों देख रहे हैं कनेक्शन प्रॉपर से, हमने इसको ढक दिया है। इसके बाद हमें इसमें हम लगा देंगे। देख रहे दोस्तों, हमने चारों तरफ से फेविक्विक से इसको हमने चिपका दिया है, चारों तरफ से नहीं दोस्तों, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ से मैं थोड़ा थोड़ा फेविक्विक डाल के मैं इसको अच्छे तरह से चिपका दूंगा, कि फिर से इसमें पानी ना जाए।
जो पहले की तरह था वैसे ही बना रहे हैं। दोस्तों मेरा हेडफोन बन के तैयार हो गया, अब दोनों में आवाज़ अब सुनाई देगा आपको कंप्लीटली। दोस्तों मेरा दोनों हेडफोन में आवाज़ आने लगा, मैंने सुन के देख लिया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। अगर मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। थैंक यू दोस्तों।